हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन, नमस्ते। तो नमस्ते। दोस्तों, स्वागत है आपका आज कहानी सन 57 से लेकर 47 तक के भाग 5 में, अध्याय 5। दोस्तों, ये कहानी जो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग मोड़ों के साथ आगे बढ़ रही है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले 4 पार्ट जरूर देखिए पहले, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द 5th पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं कहानी सन 57 से लेकर 47 तक। सो प्रकाश, आज हम लोग इस कहानी में आगे बढ़ते हुए ये जानना चाहेंगे कि कल तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया रोल ऑफ राजा राम मोहन राय, और जो साउथ में भी थोड़ा सा हुआ पीजेंट्स का, बंगाल में भी पीजेंट्स का हुआ, और दो नए हीरो के हमें नाम भी पता चले। अब आप मेरे को ये बताइए कि जैसे धीरे धीरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस तो बन रही थी, है ना, ब्रह्मो समाज, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण हो रहा था। ये अपने भारत की जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द कांग्रेस है, लोग ऐसा बोलते हैं कि इसको बनाने के पीछे भी ब्रिटिशर्स का कुछ मीन था, अपना खुद का स्वार्थ था। और इसके पीछे की थोड़ा कुछ कहानी बताइए, ये कैसे इस पूरे कहानी में इंटर करती है। तो वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि क्या बनाया, उसके ऊपर थोड़ा बाद में आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कांग्रेस बनी क्यों और कैसे बनाई गई। तो जैसे मैंने बताया था कि 1885 से पहले बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गए थे और अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे थे। तो इसी बीच इन लोग के अंदर एक फीलिंग तो थी कि यार, हम लोग एक नेशनल लैंग्वेज बन के नहीं आ रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं गवर्नमेंट से नेशनली, मतलब जो एकजुट होकर क्वेश्चन उठाना चाहिए वो नहीं उठा रहा, और इसीलिए शायद तक हमको गवर्नमेंट सीरियस ले भी नहीं रही है, क्योंकि अलग अलग वॉइसेस थी तो कोई सीरियस लेता नहीं था इनको। तो यहाँ पे कुछ लोगों के मन में आया कि क्यों ना हम इन सबको मिला के, जितने भी एसोसिएशंस हैं उन सबके लीडर्स को मिलाए और हम लोग एक मीटिंग करी जाए और फिर वहां से एक एसोसिएशन बनाया जाए। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पार्ट था A.O. ह्यूम का, जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, और उन्होंने ही कहीं ना कहीं ये दिमाग में डाला था बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर के अंदर कि आप एकजुट होइए, जिससे शायद तक आपकी वॉइस जाएगी बाहर। मैं A.O. ह्यूम के ऊपर थोड़ी देर में आता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि हम मिलेंगे, चलो हम लोग मिलते हैं पूना में। तो पूना में सबको एकजुट करने की तैयारी करी गई, बट उसी समय क्या हुआ कि पूना में प्लेग फैल गई, बहुत बड़ी बीमारी फैल गई। सो ये लोग डिसाइड करते हैं अब हम लोग पूना में नहीं मिलेंगे, अब हम लोग मिलते हैं हम लोग कहाँ पे, बॉम्बे में। तो बॉम्बे में डेलीगेशन बुलाया गया, बहुत बड़ा शामियाना करवाया गया कि भैया बहुत सारे लोग आने वाले हैं, पूरे दुनिया भर से लोग आने वाले हैं, तैयारी करी जाए, बढ़िया मस्त करेंगे, जलसा करेंगे। बट आए कितने लोग, सिर्फ 72, और उन 72 में से भी जो मैक्सिमम लोग थे वो थे लॉयर। अब आप इससे एक चीज समझ सकते हैं, वो जो एलिटिस्ट टेंडेंसी थी उस समय के ऑर्गेनाइजेशंस की, कि मैक्सिमम उसमें लॉयर्स थे और सिर्फ 72 लोग आए थे उस डेलीगेशन में। तो यहाँ से अब धीरे धीरे कार्यक्रम होना चालू हुआ, और 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज की है उसकी वहां पे स्थापना हुई। अब हम लोग आते हैं इसके थोड़े से कॉन्स्पिरेसीज में कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और कैसे A.O. ह्यूम और ब्रिटिशर्स को इसके ऊपर माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं एक सेफ्टी वॉल्व थी। सेफ्टी वॉल्व जैसे अपने कुकर में देखा हुआ सीटी निकलती है, उससे थोड़ा प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो बात हल्के आती है एक साल पहले 1883-1884 में, कि शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी A.O. ह्यूम और जो उस समय की जो वाइसी रॉय थे लॉर्ड डफरिन, उनके बीच में। तो वहां पे A.O. ह्यूम ने बताया कि सर, भारत में बहुत ही एक अंडर करेंट चल रहा है और बहुत बड़ा एक विद्रोह होने की आशंका है। डफरिन बोला, यार मेरे को अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तुमको जो करना है, तुमको जो सही लगता है वो कर दो। तो इसने बोला, सर हम लोग एक काम करते हैं, मेरे को एक सीक्रेट रिपोर्ट मिली है, उसके अनुसार ये लोग ये रिवोल्ट करने वाले, अपन उससे पहले एक मैसिव ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जिससे इन लोग का एक जो वेंट है, एक जो प्रेशर है वो निकल जाएगा हम लोग से बात करके। तो डफरिन बोला, चलो ठीक है, तुम ये जो करना है कर लो। ये जो कॉन्स्पिरेसी थी, ये जो थ्योरी थी कि A.O. ह्यूम ने इसको बनवाया, ये चलती गई टिल 1947, आजादी तक। कि हम लोग सभी लोग को लगता था कि A.O. ह्यूम ही थे, इन्होंने ये बनवाया और ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर। बट 1947 के बाद जब आजादी मिली तो यार क्वेश्चन उठा कि यार प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी का, तो क्या उस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों द्वारा हुई थी? फिर रिपोर्ट हुई तो पता चला कि जब ये सीक्रेट फाइल्स निकाली गई तो पता चला ऐसा कुछ भी नहीं था। A.O. ह्यूम जो सीक्रेट रिपोर्ट की बात कर रहे थे,
ऐसी इनको कोई पास रिपोर्ट ही नहीं थी, और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने लिखा है उस समय कि एओ ह्यूम को सपने में एक बाबा आते थे और उनसे मिलते थे, जिनको इन्होंने ये सारी कहानियां बताई थी। तो अब जाके इसी समझ में आती है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं सेफ्टी वॉल्व न रहकर एक लाइटनिंग कंडक्टर था, मतलब इंडियंस के जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो उन्होंने उल्टा रिवर्स करके ब्रिटिशर्स का यूज किया था अपने आप को एस्टेब्लिश करने में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने। ओके, बहुत बढ़िया, तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कांग्रेस पार्टी के निर्माण में, क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है कि एओ ह्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट बहुत ही शानदार तरीके से प्रकाश आपने आज बताया कि शिमला डेलीगेशन वाली बात क्या है। तो थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब करो प्रकाश, एओ ह्यूम को थोड़ा इनके बारे में आप बताइए। तो जो मैंने बताया एओ ह्यूम जो थे वो 1841 से 1841-42 से लेकर 1892 तक इंडिया में रहे थे। सो बहुत बड़ा पीरियड रहे थे, और इनफैक्ट इन बोला भी जाता है कि वॉज मोर इंडियन देन मेनी इंडियंस ऑफ दैट टाइम, बिकॉज दादा भाई नेहरू जी जो इस समय के बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सारा हिस्सा ब्रिटेन में निकाल दिया, वेयर एज जो एओ ह्यूम थे उन्होंने अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम पीरियड इंडिया में निकाल दिया। सो एओ ह्यूम जो थे वो थियोलॉजिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, जो यहाँ पे आई थी हमें जो जितने भी मिस्टिक्स हैं इनको पढ़ने के लिए, तो शायद तक इन्हीं से ये इंस्पायर होकर इनको बाबा दिखते थे, या फिर एक ऑकल्ट प्रैक्टिसेस होती हैं ये उनमें ज़्यादा बिलीव करते थे। सो एओ ह्यूम जो थे ये वो बहुत ही ज़्यादा इंडियनाइज थे, और वो इंडिया जब 1857 का रिवोल्ट भी हुआ था तो इन्होंने अपनी किताब में लिखा भी था कि ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। सो बाई ब्रेन ही वॉज ब्रिटिश, बट विथ सोल विथ हिज हार्ट ही वॉज ट्रूली इंडियन। ओके, चलो ठीक है, ये तो इनके बारे में समझ में आ गया। लेट्स गो बैक टू कांग्रेस। उस समय का जो कांग्रेस का निर्माण हुआ, तो जो कि जाहिर सी बात है आज की जो हम लोगों के दिमाग में परसेप्शन है कांग्रेस का, उसको हम अपन साइड में रखते हैं। उस समय की कांग्रेस के बारे में आप बताइए कि उनका क्या विचारधारा था, रोल था, व्हाट दे डिसाइडेड टू डू, उसके बारे में आप बताओ। राइट, तो 1885 में फॉर्मेशन हो गया, और पहले इसके प्रेसिडेंट बने अपने WC बनर्जी। और कांग्रेस एक ऐसी स्थापना थी जहां पे हर आइडियोलॉजी के लोग आके अपना यहां पे मत रख सकते थे उस समय में। सो बट इसकी एक बहुत ही अजीब टेंडेंसी थी शुरुआत के दिनों में कि ये लोग ब्रिटिशर्स से लेटर लिख के क्वेश्चन पूछते थे, मतलब एक जो होता है ना फॉर्मल तरीके से। और अभी भी कांग्रेस के आने के बाद भी, इनफैक्ट टिल 1910 इन्होंने फ्रीडम की बात नहीं की थी। इनफैक्ट 1930s में जाके जब पूर्ण स्वराज की बात हुई तब इन्होंने फुल इंडिपेंडेंस की बात की थी। सो कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक भी है। सेकेंडली, टिल 1936 जो पहला गांव में सेशन हुआ था फैजपुर में, उसके पहले इनके जितने भी सेशन होते थे वो सारे बड़े शहरों में होते थे। और मैंने ऐसे बताया कि ये जो एलिटिस्ट टेंडेंसी थी बड़े लोगों की, जो ये जो काफिला है, ये जो एसोसिएशन है, ये बड़े लोगों का है, वो चलता रहा। तो गांव में सेशन नहीं होना, लोगों के मासस तक नहीं पहुंचना, और जो डायरेक्ट इंडिपेंडेंस की बात थी वो ना करते हुए जो धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थी इनकी बात करना, ये सब जो मेजर इसके नेचर थे वो था कांग्रेस के शुरुआती दिनों में। बट 1890 आते आते जो आज के बहुत ही बड़े लीडर्स हम लोग जिनका नाम सुनते हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए और लाला लाजपत राय हो गए, इनका जैसे ही धीरे धीरे वहां पे कांग्रेस में आना चालू हुआ, और जो दो दल थी नरम दल और गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, जैसे जैसे इनके बीच में टकराव चालू हुआ, जैसे हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, तो फिर वहां से कांग्रेस की जो धारा है वो बदलने लगी, और फिर वो जाके भारत की आजादी की ओर अग्रसर हुई। बट यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं कि सिर्फ कांग्रेस बस नहीं थी जो भारत की आजादी के लिए लगी हुई थी, ऐसे बहुत सारी धाराएं थी जो कांग्रेस जो भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान देती है, और हम इन सब के बारे में जानेंगे आने वाले वीडियोज में। बिल्कुल, सो ये तो हो गया कांग्रेस के बारे में। तो क्या इसी के साइमल्टेनियसली और भी कोई पार्टी थी जो इस लेवल पर आना चाह रही थी, नेशनल लेवल पर, या बनी हो जिसको अभी हम लोग नहीं जान रहे हो? देखिए, तो जैसे मैंने कहा जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे जो रीजनल वाले थे वो तो अपना अपना काम कर ही रहे थे, और ये जो कांग्रेस की जो मीटिंग होती थी वो साल में 3 दिन बढ़िया ठंड के समय पे, कभी 25, 26, 27 दिसंबर, कभी 28, तो मतलब एंड से दिसंबर में इन लोग का 3 दिन की मीटिंग होती थी, रैली होती थी, जलसा होता था। बट जो साल के और भी दिन थे वहां पे बहुत सारी जो सभाएं थी, जो बहुत सारे एसोसिएशंस थे, वो काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल,
तो इस बीच जैसे 1857 से लेकर के 1885 तक आपने देखा कि भारतीय में कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने और कांग्रेस भी इसी बीच आती है। तो इस बीच ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में भी तो कुछ ना कुछ पूरा बात चली रही होगी। यस सो 1861 में नया एक्ट आ गया और वहां पे डायरेक्ट जो वहां पे जो वायसराय थी उसके पास पावर दे दी गई, क्राउन के अंदर जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर पे इंडिया आ गई थी। और इसी बीच क्या हुआ कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ 1870 में। जो स्विस कैनाल आप देख रहे हैं इसका डेवलपमेंट हो गया। स्विस कैनाल जो है यहाँ से अब भारत को आने जाने का रास्ता बहुत ही ईजी हो गया था। तो इससे क्या हुआ, जो अब ब्रिटिश जो पहले बहुत घूम के जाते थे और बहुत लंबा समय लगता था भारत के ऊपर कंट्रोल करने में, अब इनको ज्यादा समय नहीं लगता था। तो अब जो भी कार्रवाई करनी थी, जो भी लोग पहुंचाने थे, अभी जो भी ट्रेडिंग करनी थी, अब इससे बहुत जल्दी होने लग गई थी। पहली बात तो ये हुई इंटरनेशनल में। सेकेंडली एक चीज हुई कि अब ब्रिटिश का जो क्रूअल रूप था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का और ब्रिटिश जो वहां की पार्लियामेंट था उनका जो क्रूअल रूप था वो लोगों को दिखना सामने आ गया था। कैसे न्यूज़पेपर जो थे अभी तक जो इंग्लिश में आ रहे थे वो अब हिंदी और बहुत सारे बंगाली, तमिल, मलयालम इस सब में भी आने लग गए। इसी कारण से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पास हुआ। और इसकी एक बहुत अच्छी कहानी भी है कि अमृता बाजार पत्रिका करके एक न्यूज़पेपर था, वो छप रहा था बंगाली में, और जिस दिन ये एक्ट आया उसने बोला इस एक्ट के बाद कि आज से अब जो रीजनल लैंग्वेज में पेपर है वो अब छपना बंद हो जाएंगे। तो अमृता बाजार पत्रिका रातों रात ओवरनाइट अपने आप को बंगाली से बदल के इंग्लिश में आ गई। सो इट्स अ वेरी मतलब उस समय के हिसाब से दिखाया तो बहुत ही बड़ी बात थी। तो एक ये जो था बहुत दमनकारी इनका स्टेप था कि लोगों की वॉइसेस को बंद करने का। एक और इसमें स्टेप आया कि इंडियंस आर्म्स एक्ट। अब जो जो इंडियंस थे वो अब अपने पास आर्म्स नहीं रख सकते थे। अब जो आर्म्स रखने की जो परमिशन थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास थी। तो अब वो चाहे तो कुछ भी कर सकते थे और इंडियंस को उनको ये चीज बंद हो गई। और एक बहुत ही मजेदार बात हुई कि 1876 में एक रॉयल टाइटल एक्ट पास हुआ। तो 1857 के बाद जितने भी प्रिंसली स्टेट्स को लग रहा था, और मैं इसे बता दूं कि बहुत सारे मतलब इंडिया का अभी भी 40% हिस्सा जो था वो अभी भी प्रिंसली स्टेट्स और राजघरानों के पास ही था। तो बहुत सारे राजाओं को लग रहा था कि अब तो हम इंडिया जो ब्रिटिश क्राउन है उनके बराबर आ गए हैं, हमारा भी दबदबा बना रहेगा। बट 1876 में सारे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और क्वीन विक्टोरिया ने अपने आप को केसरे हिंद का टाइटल घोषित कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि अब वो पूरे भारत की पूरे उनकी क्राउन की वो बन गई, सबकी हेड बन गई, और जितने प्रिंसली स्टेट थे उनका मुंह धारा का धारा रह गया। अब आप कहीं के नहीं थे, अब आपको लेटर भी लिखना पड़ता था टू हर मैजेस्टी करके लिखना पड़ता था। तो उनके ऊपर भी एक आ गया था। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत सारी चीजें थी। और इसी बीच बहुत सारे दमनकारी जो इनकी जो बहुत सारी पॉलिसीज थी, और इसीलिए जो मैं साइड में ले आऊं तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस चीज पर बात करते थे और इसके कारण ही उनका जो राइज हुआ था। और इसीलिए कांग्रेस भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की मांग करती थी, लॉज के रिफॉर्म्स की मांग करती थी। तो साइमल्टेनियसली दोनों साथ साथ ब्रिटिश का क्रूएल रूप और इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रगल अब धीरे धीरे स्टार्ट होना चालू हो गया था और अपने क्लाइमेक्स पीरियड पे आने की शुरुआत में था। बिल्कुल। और एक अब जो स्ट्रगल था वो बहुत मच मोर ऑर्गेनाइज्ड आप कह सकते हो, राइट, वेरी गुड। अनऑर्गेनाइज्ड था वो स्ट्रगल, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आ रहा था। तो बहुत ही शानदार तरीके से प्रकाश आपने यहाँ तक हमें पहुंचाया। उम्मीद करते हैं हम धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन अपने भारत देश को कहानियों के ही माध्यम से ही आजादी में कुछ तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। दोस्तों ये सीरीज अभी चल रही है, आप जानते हैं कहानी सन 57 से 47 तक में। आपने आज के अध्याय में, आज के पार्ट में जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस एपिसोड तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपने सवाल हमसे पूछिए एंड वी विल ट्राई टू आंसर देम एट द एंड ऑफ द एपिसोड। और बीच में जो फोटोज यहाँ पर हम लोग बीच में आप लोगों को दिखता होगा बिटवीन द वीडियोज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन्हें भी आप बिल्कुल जरूर ध्यान से देखें बिकॉज ये हेल्प करती हैं स्टोरी को आगे बढ़ाने में। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि एक नई सीरीज चल रही है कहानी सन 57 से 47 तक में। उम्मीद करते हैं आज का पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। कल हम दोबारा मुलाकात करेंगे आगे जानने के लिए कि कांग्रेस निर्माण के बाद जो गर्म दल और नरम दल है इनमें फूट कैसे पड़ी और कैसे ये एक भारतीय राजनीति का
नया रूप लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, प्रकाश द हिस्टोरियन के साथ हम लोग मिल करके आपको इस जर्नी में आगे धीरे धीरे ले जाएंगे। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, नमस्ते।